नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की जन चौपाल। पीएम नरेंद्र मोदी ने नैनीताल जिले के मतदाताओं को किया वर्चुअली संबोधित। पीएम को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं और लोगों में दिखा खासा उत्साह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पिथौरागढ़ दौरा। चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी सरकार बनने पर सीमांत जनपद में होगा 100% विकास। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चार काम घोषणा के बाद रोडमैप रखा जनता के सामने। कहा, अलग विभाग के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और वरिष्ठ सचिव की भी करेंगे नियुक्ति। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरिद्वार दौरा। केजरीवाल ने फिर से फूंका बिगुल। कहा, हमारे पास है विकास करने का एजेंडा। और उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा लेकिन खतरा बरकरार। 2 की मौत, 624 नए संक्रमितों की पहचान, तो करीब 4000 मरीजों ने दी कोरोना को मात। चलिए, अब आपको सीधा लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर उत्तराखंड में होने वाले चुनावों को लेकर किस तरीके से वोटर्स को अपनी ओर खींचा जाए, इसे लेकर विजय संकल्प सभा का आयोजन, जिसमें वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके इरादों को तो देखिए, ये उत्तराखंड को कहां ले जाना चाहते हैं, ये देवभूमि में क्या करना चाहते हैं। ये लोग जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और सीना ठोक करके कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ कर रहे हैं, और देवभूमि में ऐसा करने की इनकी हिम्मत देखिए, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता सबूत है। और जहां जहां कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी है, जहर बोया है जहर। हम कश्मीर का हाल क्या करके रखा है इन्होंने देखा है। हम उत्तराखंड को तबाह नहीं होने देंगे, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहती। भाई और बहनों, हमने हर वर्ग, हर संप्रदाय के लिए देश की पहली राष्ट्रीय डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी का बड़ा लाभ उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश को होगा, दूर सुदूर के लोगों को होगा, गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों। तो वर्चुअली संबोधित करते हुए हमने सुना अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं, किस तरीके से लोगों को भाजपा के पक्ष में भुनाया जाए, उसकी पूरी तैयारी के साथ भाजपा नजर आ रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिथौरागढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत ही उत्तराखंड को आगे लेकर जा सकती है। इस दौरान नड्डा ने पिथौरागढ़ की चारों विधानसभा की जनता से भाजपा के लिए वोट देने की अपील की। तो राजनीति में चुनाव एक ऐसा माहौल और मौसम होता है, समय होता है, जब आपको अपने भविष्य के बारे में तय करना हो, और जब आप अपने भविष्य के बारे में तय करते हो, तो मैं सब लोगों को बोलता हूं
कि राजनीति के राजनीतिक गहराई को समझने का प्रयास करो। और आपने चंद्रपन जी को भाषण देते हुए सुना, आपने चुफाल जी को भाषण देते हुए सुना, दोनों ने दमदार तरीके से जो काम उन्होंने और उनकी सरकार ने इलाके के लिए किया है उसको छाती ठोक करके आपके सामने रखा है, ये हमको ध्यान रखें। नानकमत्ता में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की और डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में जनता से वोट करने के लिए अपील की। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा ने बताया कि डोर टू डोर जाकर प्रचार करने से जनता को का जो समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है इसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार फिर से कमल खिलेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल चार धाम चार काम घोषणा के बाद पार्टी ने इससे आगे का रोडमैप भी जनता के समक्ष रख दिया है। सरकार बनने पर पार्टी ने चार प्रमुख घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए चार धाम चार काम अलग अलग विभाग बनाने की घोषणा की। इसके साथ एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस विभाग का सचिव एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होगा। ये विभाग प्रतिवर्ष अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से जनता के समक्ष रखेगा। पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार बनने पर चार धाम चार काम एक नया विभाग बनाया जाएगा। इस विभाग का अलग से कैबिनेट मंत्री होगा जबकि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अपने उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन मंगलवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से चुनावी बिगुल फूंका। उन्होंने आम आदमी पार्टी के वादों को फिर से दोहराया और कहा कि हमारे पास उत्तराखंड का विकास करने का एजेंडा है। आपको बता दें कि केजरीवाल का मंगलवार को हरिद्वार दौरे का तीसरा दिन रहा जहां उन्होंने भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को आड़े हाथों लिया और उत्तराखंड की जनता से किए अपने वादों को फिर से दोहराया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मसूरी से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे हैं। इस दौरान वे लगातार बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। गणेश जोशी का कहना है कि इस बार वो पहले से ज्यादा मतों से विजयी होकर विधानसभा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी के लोगों का उनको अपार समर्थन प्राप्त रहा। इसी को लेकर गणेश जोशी ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता यशराज आनंद से। चुनावी रणनीति विषय सर, मसूरी विधानसभा के मिथक को क्या इस बार आप तोड़ पाए? मिथक को तोड़ पाएंगे सर? बार बार दो बार से ज्यादा यदि एक प्रत्याशी जीत जाती है तीसरी बार नहीं। इस पर मसूरी की जनता ने मन बना लिया है, जब तक गणेश जोशी के शरीर के अंदर शक्ति है वहाँ की सेवा गणेश जोशी ही करेगा, क्योंकि उन्हें पूर्व में भी विधायक देखे हैं और 10 साल के अंदर जो उन्हें मसूरी के लिए किया है, मसूरी की जन लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपने काम के भरोसे पर, काम के माध्यम से उनके सुख में दुख में गणेश जोशी खड़ा रहा है। चाहे छोटी घटना होती हो कि बड़ी घटना होती हो कि गणेश जोशी वहाँ पहुँचता है, यही कारण है कि अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। और 60+ यूनिट इतना का जो हमने नारा दिया है उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी और 21,000 से अधिक मतों से सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी को मिला लेंगे। भारी बर्फबारी और भारी बारिश के बाद भी आप अपनी विधानसभा में जा रहे थे, तो आपको किस तरीके से लोगों का मिला? मैं तो सिर्फ एक दिन जाता हूँ लेकिन मेरे कार्यकर्ता लगातार बर्फ के अंदर ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो गणेश जोशी चुनाव नहीं लड़ता, मेरी क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है, मेरे क्षेत्र के जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ते हैं। तो हमारे साथ थे मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी, इन्होंने कहा कि जब ये चुनाव लड़ते हैं तो जनता इनकी लड़ते इनकी तरफ से लड़ती है और इन्हें सपोर्ट करती है। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज देवन टीवी देहरादून। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं AICC मुख्यालय जहां पर अजय कुमार प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। अगर हम 50-60 करोड़ आबादी लेते हैं जो वर्किंग एज में 50 करोड़ ले दीजिए तो 11 करोड़ का मतलब क्या है? 20% लोग
जो खाने के लिए भी जो उनके पास पैसे नहीं है वो ढूंढ रहे हैं नौकरी। 11.6 करोड़ लोग नौकरी मांग रहे हैं इस फकीर साहब के भारत में। उससे पहले 2020 में 13 करोड़ आत्मनिर्भर भारत में 13 करोड़, 19-20 में 9 करोड़। और शर्म की बात क्या है कि एक तो पहले तो मोदी जी और अमित मोदी जी के खासतौर उनके ऊपर केस होनी चाहिए। क्यों बताइए, मनरेगा में कानून है कि आप काम मना नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। मिस्टर मोदी इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। मनरेगा में आपने 2021-22 में 2.89 करोड़ लोग को नौकरी आपने काम ही नहीं दिया। 11 करोड़ लोग ने काम मांगा 11.6, आपने 2 करोड़ के आसपास 1.89 करोड़ लोग को काम ही नहीं दिया। मनरेगा क्या कहती है कि अगर आप काम नहीं देंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, कानून है। तो ये पिछले 2 दिन से नेहरू जी की जो भूत सता रही है मोदी जी को, मोदी जी को याद दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब आप प्रधानमंत्री जी हैं, अपना काम कीजिए, आप अपने पिछले 7 साल का रिकॉर्ड दीजिए। लगातार मनरेगा में कटौती हो रही है। 21-22 में 1,11,000 करोड़ था, अब जो है 73,000 करोड़ हो चुकी है इस साल। लेकिन देखिए भाजपा जो है ना खानदानी झूठ बोलने जन्मजात झूठ बोलने वाले हैं, कंजेनिटल लायर्स। आई टेल यू व्हाई। 73,000 करोड़ का बजट है मनरेगा का इस साल का, आपने 38,000 कटौती कर दी, वो ठीक है, बहुत ही शर्मनाक है। पिछले साल का 22,000 पैसा बकाया है मजदूर को, काम करने वाला पैसा बकाया है, तो बजट कितना हुआ आप गणित कर लीजिए, 50,000 के आसपास। तो असली मनरेगा का बजट इस साल 50,000 है। जिस देश में 11-12 करोड़ लोग खाने के लिए मोहताज हैं और मांग रहे काम, उसके लिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं बताता हूं, क्योंकि वो जो 2-3 दोस्त लोग हैं पिछले 1 साल में 30 लाख करोड़ की संपत्ति बन गई। 30 लाख करोड़ यार, मिस्टर मोदी फ्रेंड्स की संपत्ति पिछले 1 साल में 30 लाख करोड़। पूरा देश का बजट कितने का है, 34 लाख करोड़ टोटल बजट ऑफ इंडिया आसपास है। मेरा हो सकता है ऊपर नीचे 1-2 करोड़, लेकिन बाय एंड लार्ज इफ आई रिमेंबर हमारा जो नंबर मुझे याद है तो 34 लाख। तो अदानी जी ने तो और इनके दोस्त लोग ने तो 1 साल में उतना कमा लिया, भारत का बजट जितना अदानी जी ने इस 1 साल में कमाया, उद्योगपति लोग ने, वो पूरा देश का बजट है। 130 करोड़ लोग का बजट, वो उद्योग अरबपति लोग का जो है संपत्ति का जो संपत्ति में जो चढ़ाव आया है वो बराबर है। और आप बोलते हैं कि दो भारत की कहानी नहीं है, आप बोलते हो कि नेहरू जी की गलती है, आप बोलते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो ये स्थिति है इस देश की। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक ही थॉट, एक सोच के साथ छोड़ना चाहूंगा। सोचिए पहले कि यदि आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं तो इस देश के सबसे अमीर 5% में है। 20,000 रुपए का मतलब है डेली वेज लेबर दिल्ली में, तो आप इस देश के 5% सबसे अमीर लोग हैं। तो कोई भी आदमी इस रूम में अगर 20,000 कमा रहा होगा तो सीना चौड़ा करके जाइए, बोलेगा कि हम देश के सबसे 5% में से हैं। ये स्थिति जो है घुटना टिका दिया मोदी जी ने इस महान देश को, जो है उन्होंने जो है सचमुच में पानी पिला दिया। तो इसी शब्दों के साथ फिर एक और बहुत ही यही है, कोई क्वेश्चंस हो तो बता दीजिए, नहीं तो एक हाँ कोई सवाल बता दीजिए, कि किसी को कोई सवाल करना हो तो। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा दिल से, बेरोजगारी गरीबी सचमुच में खतरनाक स्थिति में, धर्म के नाम पर। आपने हिंदी अखबार पढ़ा होगा,
वो तो प्लस हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में है। बेरोजगारी के बारे में चर्चा कीजिए, गरीबी के बारे में चर्चा कीजिए, अगर देश को सचमुच में इस नफरत से बचाना है और देश को बचाना है। सॉरी, एनी क्वेश्चंस? तो AICC मुख्यालय से अजय कुमार की प्रेस वार्ता, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार किए और बेरोजगारी को एक काफी बड़ा मुद्दा बताया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विनोद चमोली ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी विनोद चमोली ने बताया कि अपनी विधानसभा में विधायक रहते हुए उन्होंने 584 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। जो योजनाएं पिछले 25 सालों से लंबित थी, उन्हें उन्होंने अपने कार्यकाल में धरातल पर उतारने का काम किया। इस बीच बंजारावाला में हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने की बीजेपी प्रत्याशी विनोद चमोली से खास बातचीत, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और मैं इस वक्त खड़ा हूं धर्मपुर विधानसभा, जहां पर हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी विनोद चमोली हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी चुनावी रणनीति के विषय में। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। जनता के बीच आप आए हैं, पिछले आप विधायक रह भी चुके हैं, तो आपका कुछ एक दो काम जो आपका बच गया है, जो आप जनता से आगे अपील करते हैं, वोट दें और आप उनको लिए काम पूरी करेंगे। देखिए, जनता के बीच में पिछले 35-36 वर्षों से हूँ और लगातार जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। ये बात सही है, विधायक होने के नाते तमाम अपेक्षाएं मुझसे जनता की है, मैंने उनको पूरा करने का प्रयास भी किया है। कोरोना के कारण कुछ काम प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज धरातल पर चल रहे हैं और कुछ पाइपलाइन में है। तो मैं तो जनता से यही अपील कर सकता हूं कि आपने मुझे जब जब अवसर दिया, मैंने अपने आप को साबित किया है, चाहे वो मेयर के नाते रहा हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के नाते रहा हो, चाहे वो वर्तमान में 5 साल के विधायक के नाते रहा हो, लेकिन अभी भी काम अधूरे हैं जिन कामों को पूरा होना है। और मात्र विधानसभा का प्रश्न नहीं है, ये उत्तराखंड के सपनों का भी प्रश्न है। उत्तराखंड में तमाम काम आगे होना है और जैसे माननीय मोदी जी ने आज भी हमको भरोसा दिलाया है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक साबित होने वाला है, उसके लिए उनको उत्तराखंड की जनता का सहयोग चाहिए और डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित उत्तराखंड देने के लिए 14 तारीख को कमल के आगे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएं। सर, आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, आप में काफ़ी भीड़ भी है, क्या लगता है डोर टू डोर कैंपेन करना कितना ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है लोगों के बीच पहुँचने में? देखिए, लोगों की अपेक्षा रहती है कि प्रत्याशी हमारे पास आए और मैं तो लगातार इतने वर्षों से उनके साथ कनेक्ट हूँ, तो चुनाव के दौरान ये अपेक्षा जरूर होती है कि हम लोगों से मिलें। कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं लगातार चल रहा हूँ, लगातार बैठकें कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ और जहाँ तक पहुँच पाऊँगा रात दिन लगकर वहाँ तक तो पहुँचने का प्रयास करूँगा, जहाँ नहीं भी पहुँच पाऊँगा वहाँ तक चुनाव के बाद जाऊँगा। और मेरा आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि मेरी उपस्थिति को माने, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन तक पहुँच सकूँ, अगर मैं दौड़ते दौड़ते उन तक नहीं पहुँच पाया ये मान के चले कि मैं चुनाव के बाद उन तक पहुंचूंगा और निश्चित तौर पर उनकी जो अपेक्षाएं मुझसे हैं उसके लिए प्रयासरत रहूंगा। सर, आप इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार जितनी सीट आपने जीती थी, जितना वोट आपको प्राप्त होता, क्या इस बार उससे अधिक वोट प्राप्त होगा? देखिए, मुझे माहौल लग रहा है, एक तो वोटर भी बढ़ा है, पहले 1,94,000 वोट था, आज 2,06,000 वोट हुआ है, तो काफ़ी वोट बढ़ा भी है, लगभग 11,000 वोट यहाँ पर बढ़ा है अभी तक। और पिछली बार जब मैं चुनाव मैदान में था तो मैं शहर में मेयर था, तो एक निश्चित क्षेत्र तक मेरी पहुंच थी, बाकी का क्षेत्र मेरे लिए नया क्षेत्र था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था। पिछले 5 साल से वहाँ भी मेरा काम हुआ है, वहाँ भी मेरा जाना हुआ है, वहाँ से लोगों से मेरे संपर्क बढ़े हैं और आप देख रहे हैं हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। साथ में जो पिछली बार हम भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ी थी और आज के चुनाव में थोड़ा अंतर है, आज हम राम मंदिर का मसला हल करके आए हैं, आज हम कश्मीर का मुद्दा हल करके आए हैं, आज हम CA कानून ला कर आए हैं, आज हम 3 तलाक का कानून लेकर आए हैं, आज हमने देश की तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान किया है और उसके बाद हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार हमको अधिक मार्जिन से लीड मिलनी चाहिए
और जो जनता का विश्वास मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह मोदी जी के प्रति लोगों में एक विश्वास जगा है पूरे देश की जनता का, स्वाभाविक बात है हम भी उसी देश के नागरिक हैं, धर्मपुर भी उसी का हिस्सा है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मार्जिन है वो अधिक रहेगा। चमोली जी, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, 14 फरवरी मतदान दिवस के अवसर पर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखा, मैं वही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए, इस देश में मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, और धर्मपुर में जो विकास का जो एक रोड मैप मैंने तैयार किया है, उस विकास के रोड मैप को पूरा करने के लिए एक बार जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे और 14 फरवरी को कमल के आगे का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, यही मेरा निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ धर्मपुर विधानसभा से, इन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा में जरूर इनकी सरकार बनेगी, ये पहले भी विधायक रह चुके हैं, जो कुछ बचे कुछ काम है वो जरूर इन्हें पूरा कर देंगे। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV देहरादून। उत्तराखंड के रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हीरा सिंह बिष्ट जनसंपर्क तेज कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, और इसी के चलते हीरा सिंह बिष्ट रायपुर विधानसभा क्षेत्र के मालदेवता पहुंचे, जहां उन्होंने A1 TV संवाददाता यशराज आनंद से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। आज हम मौजूद हैं रायपुर विधानसभा के मालदेवता क्षेत्र में, यहां डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, जिसमें आइए जानते हैं हम। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इसका कितना असर जनता पर पड़ रहा है? जनता को आने की इंतजार कर रही, वो कह रहे थे ना भी आओ, ये तो परिवार है मेरा, गाँव है अपना, यहाँ कोई दूरी नहीं है, रिश्तेदारी है, दोस्ती मित्रता, यहीं पढ़े बड़े लिखे हुए हम लोग हैं, तो लोगों का बड़ा स्नेह और प्यार है, लोग खुद ही अपने काम में लगे। मेरे नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस क्षेत्र को, क्योंकि रायपुर वहाँ डोईवाला से टिकट था, लास्ट में यहाँ दिया, तो यहाँ अपार स्नेह जनता का मिला, और आज यहाँ इस जगह पर आने का मुझे वो स्मरण होता है कि जब BJP के वर्तमान जो उम्मीदवार विधायक हैं, उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा था कि मेरी परमिशन के बिना कैसे क्षेत्र में घुस गए, यहाँ ही उस विधायक ने यह कहा था BJP कार्यकर्ताओं कि तुम्हारी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं, इस क्षेत्र को कलंकित किया, बदनाम किया, लोग बदला लेना चाहते हैं, लोग उस स्वाभिमान का जो कलंकित किया उन्होंने, उसके लिए लोग तैयार बैठे, इससे सब भेदभाव भूलकर लोग सपोर्ट करें। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, इस क्षेत्र का विकास, जो ये सड़कें बनी, मुझे पता कि संघर्ष के बाद बनी, इंटर कॉलेज बना, सहधारा और मालदेवता को मिलाने का काम किया, ये हमारे किरसाली नागल और सहधारा रोड और मालदेवता को जोड़ने का काम किया, इतिहास बना यहाँ पर, स्पोर्ट्स कॉलेज स्टेडियम है, ये रायपुर वहाँ लखनऊ में विधायक देहरादून से बन के गया था, तब वो जमीन रिकॉर्ड, जिस पर भव्य स्टेडियम बना, हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज बना, ये पहचान बना, अस्पताल की पहचान है, तो इस क्षेत्र को दे करके सार्वजनिक संपत्ति को रोकने का काम किया, उनको लुटाने का काम नहीं किया। हमारे निदेशालय यहाँ पर है, हमारा आमवाला नालापानी में शिक्षा का निदेशालय, डांडा गुजराड़ा में हमारा स्वास्थ्य का निदेशालय, खलिंगा स्मारक हमने बनाया, नहीं पहचान क्षेत्र, हमारा IT पार्क है, हमारा IT पॉलिटेक्निक है, NCC का, स्पोर्ट्स कॉलेज का, ये सारे क्षेत्र। इसी को लेकर मेरा अगला प्रश्न है कि आप जनता से अपने क्षेत्र में क्या क्या वायदे करने जा रहे हैं, जो विधायक बनने के बाद आप उसको पूर्ण करेंगे? हमारा वायदा यही है कि पहली बात तो एक रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए IT पार्क को पुनर्जीवित करेगा, जो BJP के टाइम पर शासक रहा, जो विधायक ने उसका ध्यान नहीं दिया, रोजगार 2,500 लोगों को मिला। दूसरी बात, जो सरकारी 50,000 रिक्त पद हैं, उन पर उत्तराखंड के बच्चे भरे हैं सरकारी विभाग में। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो इन्होंने पेंशन बंद कर दी, बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, कर्मचारी 40 साल बाद 50 साल रिटायर होता, वो पेंशन बंद कर दिया आपने, वो हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी ये भी है कि स्वरोजगार दें, उनको ब्याज रहित ऋण दें, हमारी प्रायोरिटी ये है कि पुलिस के परिवार, महिलाएं, बच्चों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते, उत्तराखंड में ग्रेड पे 4600 का लेने के लिए सरकार ने एक नहीं सुनी, वो प्रायोरिटी उनको मिलना चाहिए। जो हमारे 40,000 उपनल के कर्मचारी हैं, वो संविदा रेगुलर के लिए बात कर रहे हैं, नहीं की हाईकोर्ट ने कहा समान कार्य समान वेतन तो तनख्वाह बढ़ाओ, हाईकोर्ट सरकार ने BJP वो भी नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम कर्मचारी की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, ये कौन सी बात थी, ये कौन सी, स्वास्थ्य विभाग चरमरा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिले बीमारी में, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, वैन नहीं मिली, ये कहाँ पर, एक IT पर जो मैंने उत्तराखंड में उस समय खोले थे, देहरादून में 5 पॉलिटेक्निक, 6-7 IT हर जिले में खोले थे, उसके बाद कोई IT पॉलिटेक्निक, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई परिवहन व्यवस्था नहीं, तो क्या क्या दिया क्या इन्होंने प्रदेश को, काम छीने हमारे फैक्ट्री ऑर्डिनेंस, फैक्ट्री सर्वे ऑफ इंडिया, FRI CDA, जहाँ सरकारी प्रतिष्ठान थे, गौरव गरिमा की गाथा हमारी कहते थे, आज जो प्राइवेट को दे करके उन जमीनों पर थोड़े दिन में बिल्डिंगें बनेंगी, यही होना है ना, अडानी अंबानी देश को चला रहे, यहाँ उस तरफ माफिया, मुख्यमंत्री कार्यालय
खनन माफियाओं का ट्रक छुड़वाने का काम कर रहे हैं, प्यारे चिट्ठियां लिख रहा है ये ट्रक छोड़ दो, और शालीनता की ईमानदारी की बात करते हैं आप लोग, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। सस्पेंड किया, रिइंस्टेट 15 दिन में कर दिया, क्या मैसेज देंगे? तीन तीन मुख्यमंत्री आप बदल रहे, आपने घोषणाएं 1600 कर दी, धरातल पर एक भी नहीं। हमें रोजगार चाहिए, हम अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए, हमारा पलायन रुकना है, परिवहन की सेवा चाहिए, सस्ती शिक्षा चाहिए, क्या किया? कुछ भी नहीं आपने, आपने 10 साल काट दिया ऐसे, केवल अपनी पार्टी जिस पार्टी में उनको गाली दे रहे सर। इसलिए चरित्र भी कुछ होना चाहिए, विचारधारा भी कुछ होनी चाहिए। एक विधायक सराम अपनी बोली बोल दे, ये बड़ा मैंने समझता है बड़ा निंदनीय और अपराध है, पाप है। उत्तराखंड की जनता इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर, समय आएगा वो देखेंगे। हम विकास के लोग हैं, ईमानदारी एक जगह हम लोग खड़े हैं, पहाड़ की तरह आंधी तूफान में भी हमें कोई डिगा नहीं विचारधारा से, पार्टी से, तो यही हमारे पास है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हीरा सिंह बिष्ट, इन्होंने कहा कि रायपुर विधानसभा से इस बार तो उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि पिछली सरकार ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है। इसी को देखते हुए इस बार हीरा सिंह बिष्ट पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV देहरादून। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मथुरा और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा डोर टू डोर प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। भाजपुर में आम आदमी पार्टी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है और आप प्रत्याशी सुनीता टमटा द्वारा लोगों से जनसंपर्क कर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। इसी के चलते सुनीता टमटा ने भाजपुर के ग्राम तोताबेरिया में महोली जंगल सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भ्रम तोड़ने का काम करेगी। देखिए, जहां तक जनसंपर्क की बात है, भरपूर लोगों का जो है आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और जनसंपर्क जो है वो मैं गांव-गांव जा रही हूं। आज जो है भूड़ी और दौलपुरी, रजपुरा और खंबारी और भी बहुत सारे गांव, मड़ैया हट्टू, मोहली जंगल, ये सारे जो ग्रामीण एरिया है वहाँ मेरा जनसंपर्क रहा और ख़ास तौर पे मेरी मातृशक्ति का मुझे बहुत ही सहयोग मिल रहा है और वो लोग खुश हैं और सभी का सहयोग है और सबका आशीर्वाद है। जी देखिए, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस के, देखिए कांग्रेस अभी जो है बीजेपी का शासन है और बीजेपी के शासन में जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो लोग समझने लगे हैं। और कांग्रेस की तो बात फिर दूर की है, वो बात करती है बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पे जो है वो कहीं पे भी कैसे भी जनता तक जो है अपनी बात पहुँचा भी नहीं सकती और झूठे वादे झूठे दावे के साथ जो है वो लोगों को भ्रमित करती है। आम आदमी पार्टी आम जन की आवाज़ बन के लोगों के बीच जा रही है और लोग उसे समझ भी रहे हैं और लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। लालकुआं से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जनता में उनका रुझान बहुत अच्छा चल रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार पवन चौहान को ही विजयी बनाकर विधानसभा में भेजना है, तभी लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो पहले बागी थे, अब पार्टी ने उन्हें टिकट देकर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके चलते भाजपा को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। उनके पास कुछ बचा नहीं है, भारतीय पार्टी तीसरे नंबर पर है। मैंने पहले दिन कह दिया था भारतीय पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी और हम चुनाव जीत रहे हैं। वो अच्छी हरकतें, जब आदमी बौखलाता है, चुनाव हारता है तो बौखलाता है और बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। हमने तो उनसे, हम सबसे कहना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आधिकारिक रूप से हमारे खिलाफ कुछ बोलने का अगर वो दम रखते हैं तो बोल करके दिखाए, हम उसका जवाब देंगे। पीछे से तो जो मर्जी बोलते रहते हैं। हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको उसी तरह देखते हैं, सम्मान से देखते हैं, लेकिन हरीश रावत जी को हम, हमारे यहाँ के विधानसभा के महान जनता, महान मतदाता हरीश रावत जी को 8-10 हजार वोटों से हराने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी प्रेस वार्ता के दौरान अपना पक्ष रखते हुए नजर आए और दोनों ही पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए और कहा कि दोनों ही सरकारों को काफी वोटों से इस बार हार का सामना करना पड़ेगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।